हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका चैनल बहुत नया होता है। तो जैसे कि अभी मेरा जो चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वीडियो तो ऑफिस का, इसको छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ से मैंने चालू किया था एक्चुअली, तो ये हुए हैं अभी 4 दिन। तो 4 दिन ही हुए हैं अभी मेरे चैनल को। तो अभी क्या है कि अभी सब्सक्राइबर कम है मेरे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 121 सब्सक्राइबर हैं। ओके, 121, और ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 50 सब्सक्राइबर मेरे रोज़ बढ़ जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मेरे सब्सक्राइबर बनने, तो क्या होता है कि कुछ लोग जब वीडियोस देखते हैं तो वो उनका इंटेंशन क्या होता है कि अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो वो वीडियो को देखते हैं, अदरवाइज़ वो दूसरे वीडियो को देखते हैं जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, है ना। तो क्या आप अपने सब्सक्राइबर को यहाँ से हटा सकते हैं ताकि आपकी कंटेंट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए जब तक कि आपसे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हो जाते हैं? तो मैं अगर पूछूं कि क्या करना चाहिए कि नहीं, हटाना चाहिए कि नहीं, तो मैं आंसर मेरा रहेगा कि हाँ, जब तक आपके 200, 250 या 400, 500 नहीं हो जाते सब्सक्राइबर, तब तक आप हाइड करके रखिए। एटलीस्ट 300 तक तो हाइड करके रखिए। तो अभी मेरे 121 है, तो चलिए मैं खुद हाइड कर रहा हूँ अभी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हाइड करना है। तो हमेशा के वीडियो की तरह मैं इसमें भी आपको सारे स्टेप्स लिख के दिए हैं। तो स्टेप वन है कि आप यहाँ पे जाएंगे, अपने फेसबुक में चले जाइए आप। ओके, तो ये आ गया मैं फेसबुक में। अब फेसबुक में आने के बाद आप चले जाइए, ये यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिखी है, देखिए स्टेप वन। ओके, तो आपके आपके चैनल्स में आ गया मैं यहाँ पे। अब इसके बाद आपको यूट्यूब का पहले बता देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आ गया मैं, मान लीजिए। तो लेट्स, आप अपने चैनल में जंप मार लीजिए पहले, इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि एकदम प्योर दिखाई दे क्या है। हाँ, तो 118 सब्सक्राइबर है मेरे अभी, आप देख रहे हैं 4 दिन हुए हैं। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये हाइड करना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले क्लिक ऑन द यूट्यूब स्टूडियो, पहले तो मैं चैनल में आ गया। ओके, ये देखिए मैं जो ट्यूटोरियल्स आपको देने वाला हूँ उसमें ये है ऑलरेडी। फिर सेकेंड वन, अपने यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करिए, तो ये मैं आपको देने वाला हूँ, तो भूल जाइए इसे। अगर यहाँ पर आता हूँ मैं यूट्यूब स्टूडियो में, फिर YouTube स्टूडियो में आ गया मैं, ठीक है, गुड। अभी आप चले जाइए यहाँ पे सेटिंग में, ये दिख रही है नीचे सेटिंग आपको, ये आ गया आपका चैनल है ये। यहाँ पे भी आपके देखिए सब्सक्राइबर वगैरह दिखते रहते हैं, यहाँ पे कितने दिन हुए हैं, क्या है, सारी चीज़ें दिखती रहती। तो यहाँ से आप आ जाइए सेटिंग में। ओके, गुड। तो आप सेटिंग में आएंगे तो ये बेसिक चीज़ें कुछ पूछता है, आपको ये करना तो कर लीजिए। अब मैं इंडिया का हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके IN करके ये सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे चैनल्स के बारे में आएंगे तो आप चैनल्स की कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो ये चैनल का मोस्टली आपको चैनल्स कैसे, उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैंने डाल दी यहाँ पे। अभी इसी में आप जाओगे तो यहाँ पे बगल में आपको दिखेगा एडवांस सेटिंग। ओके, जब एडवांस सेटिंग में आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन से आपको दिख रहा है, थोड़ी सा स्क्रॉल करना है आपको। एंड आपने स्क्रॉल किया अगर, तो ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज़ डीसेलेक्ट दैट। तो ये डीसेलेक्ट कर दिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे। एंड नाउ आई विल सेव दिस चैनल। हाँ, तो ये मैंने ओके, तो ये मैंने सेव कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू योर चैनल अगेन एंड रिफ्रेश इट। ओके, लेट्स, मैं यहाँ पे गया अभी और यहाँ पर आके आपके चैनल्स में आ गया मैं। चैनल्स में आने के बाद गुड, ग्रेट, ये देखिए इसके नीचे मेरे सब्सक्राइबर दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। तो अगर अभी मेरे वीडियोस में जाएंगे या कोई मुझे वीडियो देखता है तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स पर नहीं होंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, मुझे लगता है आपको यूज़ करके देखना चाहिए जब तक कि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा ना हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर 50 से 100 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर कैसे हो जाते हैं डेली, क्योंकि मैं टाइम तो मुझे नहीं रहता ज़्यादा कुछ करने का, तो अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, यहाँ से आप घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगता है और मैं और भी बेटर वीडियोस लेके आता हूँ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो देखिए यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए, ये मैं कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।